नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कि यार 1 लाख का किंग कौन है, 1 लाख का जो एक शोरूम प्राइस है उसके अंदर सबसे बढ़िया क्या आपको देखने को मिलता है। मैं आज दो स्कूटर को जो है कंपेयर करने वाला हूँ 1 लाख के बजट के अंदर। पहला है एम्पियर प्राइमस और दूसरा है हम देख रहे हैं ओला S1 Air, जो कि अभी नया आया है, मतलब नया नहीं आया है, बैटरी जो है उसकी अपग्रेड हो गई है, तो उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं दोस्तों। बाकी ओला के सारे स्कूटर्स पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो सारे कंपेयर कर रखे हैं मैंने अभी जो लॉन्च हुए हैं, तो उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन हाँ शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंपैरिजन को, और जैसा कि आप देख रहे हो मैंने सारे स्पेसिफिकेशन है जो लिखे हुए हैं उसके बारे में हम जो है आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं और कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कंपेयर करते हैं मोटर के बारे में कि मोटर जो है कितने कितने वाट किलोवाट की आपको मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाला जो यहाँ पे आपको ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ये वाली जो लाइन है वो एम्पियर प्राइमस की है, उधर वाली S1 Air की है। तो 3.4 किलोवाट की इसमें जो है मोटर है बेसिकली, और पीक पावर जो है 4 किलोवाट का है, और जो इसमें आपको जो है मिड ड्राइव मोटर मिलेगी। और उस S1 Air की बात करें तो 2.7 किलोवाट की आपको मोटर मिलेगी, पीक पावर जो है 4.5 किलोवाट का है। तो पावर वगैरह टॉप स्पीड वगैरह उस S1 Air की ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। बात करें इसकी मोटर जो है आपको पहिए के अंदर मिलेगी, हब मोटर है ये वाली, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि यार कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वैसे लो मेंटेनेंस वाली होती है हब मोटर, इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है लेकिन पिकअप वगैरह थोड़ा एक्सलेशन वगैरह ज़्यादा बढ़िया रहता है मिड ड्राइव मोटर के अंदर। बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में कि बैटरी जो है कौन सी आपके लिए बढ़िया रहेगी। तो दोनों ही गाड़ियों में क्या है 3 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर हम प्राइमस में देखें तो इसमें भी 3 किलोवाट है और इसमें भी जो है 3 किलोवाट है, लेकिन एक फ़र्क है बैटरी के अंदर, वो ये है कि प्राइमस के अंदर आपको LFP बैटरी मिलती है, वहीं अगर हम देखें S1 Air के अंदर तो यहाँ आपको जो है NMC केमिस्ट्री के अंदर बैटरी देखने को मिलती है। तो जो ओवरऑल क्या है हीट मैनेजमेंट होता है, BMS वगैरह होते हैं जो LFP के अंदर ज़्यादा बेटर होते हैं, हीट मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता है LFP बैटरीज का, और जो इनकी लाइफ है वो भी ज़्यादा होती है। लेकिन वारंटी वगैरह जो देखेंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे किस हिसाब से, तो आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। बात करें तीसरी चीज़ की, तो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, लेकिन अभी जो है S1 Air का कोई 0 to 40 आया नहीं है, तो मैंने बाकी मैं आपको प्राइमस में बताता हूँ 0 to 40 जो है ये 4.2 सेकंड में करती है। ओला S1 Air का मुझे कहीं मिला नहीं, तो मैं अगर आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इसका कितना है। वैसे सेम होगा क्योंकि यार बढ़िया इसका पावर भी काफ़ी अच्छा है, तो लगभग 4 सेकंड के आसपास जो है मुझे लगता है 0 to 40 S1 Air भी कर लेगा। बात करते हैं दोस्तों टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड जो है एम्पियर प्राइमस की आपको देखने को मिलेगी 77 किलोमीटर पर आवर की, तो काफ़ी बढ़िया स्पीड है यार, काफ़ी अच्छी स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर की। राइडिंग मोड आते हैं इसके अंदर, इको, सिटी, पावर वगैरह, इस रिवर्स मोड भी आता है। बात करें ओला S1 Air की तो 85 किलोमीटर पर आवर की जो है टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है, ऑब्वियसली प्राइमस से ज़्यादा आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। तो जो है यहाँ आपको प्राइमस विन करती है, ये जो है LFP की वजह से हम जो है यहाँ पे इसको विन कर देते हैं। और मोटर जो है आप देखिए आपको कौन सी प्रेफरेबल लगती है, मेरे हिसाब से मिड ड्राइव मोटर जो है ज़्यादा बढ़िया रहती है, और हब मोटर की जो है अपनी एक खासियत रहती है कि वो लो मेंटेनेंस होती है, तो दोनों ही जो है बढ़िया रहती हैं। बात करें रेंज के बारे में कि जो है गाड़ियाँ जो है कितना रेंज देती हैं, तो यहाँ हम देखें पावर मोड में जो फिगर दे रखा है एम्पियर प्राइमस का, तो वो दे रखा है 107 किलोमीटर पर चार्ज, लेकिन हम जो एक और फिगर आया था पहले वो 120 किलोमीटर आया था, अब वो किस मोड में आया था ये पता नहीं, लेकिन कंपनी के जो डाउनलोड में मैं जाके दे रखा है ना, जो PDF दे रखा है उसके अंदर 107 किलोमीटर जो है रेंज दिखा रखी है, पावर आगे लिखा हुआ है, पावर मोड लिखा हुआ है। तो पहले 121 का भी इन्होंने शो किया था, अब जो है 107 किलोमीटर की रेंज जो है ये शो कर रहे हैं पावर मोड में। बात करें दोस्तों ओला S1 Air की रेंज के बारे में, तो 128 किलोमीटर की ARAI क्लेम रेंज जो है दे रखी है, एक्चुअल में कितनी होती दोनों गाड़ियों का पता नहीं है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि ज़्यादा आएगी, लेकिन ये पावर मोड में यहाँ पे दिखा रखी है, ये किस मोड में होगी पता नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल रेंज में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ओला जो है ज़्यादा बेटर रेंज आपको ऑफर कर देगा मोड के हिसाब से, देखो सारी रेंज जो है मोड के हिसाब से आएगी, इसको भी शायद इको में चलाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगी, हालांकि मोड जो है पावर इन्होंने दे रखा है रेंज का।
बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी के बारे में। तो देखो, जो ग्रेडेबिलिटी है, पहले आपने देखा होगा मैंने वीडियो बनाया था, उसमें 14 डिग्री के थे प्राइमस की, लेकिन अभी जो पीडीएफ जो डाउनलोड सेक्शन में आ रहा है प्राइमस के, उसमें जो है 60 डिग्री का आ रहा है। मतलब जो एंगल होता है चढ़ने का, चढ़ाई पे ग्रेडेबिलिटी जो है 7 डिग्री की इसमें बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं 7 या 14 कितनी है। पहले 14 बता रखी थी, अब जो है 7 बता रखी उन्होंने। तो ये डिफरेंस है। जो ओला S1 एयर की ग्रेडेबिलिटी है वो कुछ पता नहीं उसका, अभी इसमें नए वाले की जो है दे नहीं रखी है। बाकी बढ़िया होती 15 डिग्री जो है बाकी स्कूटर्स की होती, तो हम इसकी भी जो है 15 डिग्री मान के चलते हैं। तो इसका जो है ग्रेडेबिलिटी मुझे लगता है ओला की ज़्यादा बढ़िया है। बात करते हैं दोस्तों ब्रेक्स के बारे में, क्योंकि ब्रेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेक आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे? तो ब्रेक आपको मिलेंगे, ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे एम्पियर प्राइमस में, आगे भी ड्रम मिलेंगे, पीछे भी ड्रम मिलेंगे। CBS आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, एम्पियर प्राइमस के अंदर। बात करें S1 एयर के, तो इसमें भी आपको जो है फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, और जो इसमें भी आपको कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस में यहाँ पे क्लियर विनर जो है ओला S1 एयर है। तो ओला S1 एयर में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं बात करें एम्पियर प्राइमस के बारे में, तो एम्पियर प्राइमस में आपको मिल जाता है 22 लीटर का बूट स्पेस। तो ये जो है आपको बूट में आपका ओला S1 एयर जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता है। बात करते हैं व्हील्स और टायर्स के बारे में, कि व्हील साइज़ क्या है, टायर सेक्शन क्या है। तो दोनों में आपको जो है 12-12 इंच के व्हील मिलते हैं, लेकिन बात करें प्राइमस में तो आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है। वहीं बात करें ओला S1 एयर की, तो इसमें 110/70 का जो है टायर मिलेगा, और ये जो है ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा ग्रिप आपको ऑफर करेगा। तो टायर और व्हील में भी आपको जो है ओला विनर यहाँ पे देखने को दिख रहा है। बात करते हैं कि व्हील बेस में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा लंबी है। तो व्हील बेस में जो है एम्पियर प्राइमस का जो है ज़्यादा हमें व्हील बेस देखने को मिलता है, तो ज़्यादा लंबी जो है एम्पियर प्राइमस है, ज़्यादा जगह फुटबोर्ड एरिया जगह ज़्यादा हो जाती है, सीट भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो 1400 mm की जो है आपको एम्पियर प्राइमस में व्हील बेस देखने को मिलता है। बात करें ओला S1 एयर की, तो 1359 mm का आपको जो है व्हील बेस देखने को मिलता है। तो व्हील बेस के मामले में जो है प्राइमस विनर है यहाँ पे। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोस्तों अगर हम ओला S1 एयर की बात करें, तो 165 mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बात करें एम्पियर प्राइमस के बारे में, तो यहाँ आपको 155 का मिलता है, जिसपे की कम है। तो ओला जो है यहाँ पे विनर हमें देखने को लग रहा है, फिगर हम देख रहे हैं। हालांकि मैंने मैग्नस भी चलाई है, तो कहीं नीचे टच पर इतनी होती है क्योंकि उसका भी इतना ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी फिगर के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसे विनर देखेंगे। बात करते हैं दोस्तों वारंटी के बारे में। वारंटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वारंटी के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वारंटी के डिस्कशन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डिस्कशन खत्म नहीं हो सकता। दोस्तों बात करते हैं एम्पियर प्राइमस की वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बैटरी पे भी, मोटर पे भी, व्हीकल पे भी, तीनों ही चीज़ों पर आपको जो है 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलती है। बात करें ओला S1 एयर की वारंटी के बारे में, तो आपको जो है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर फॉर बैटरी जो है आपको देखने को मिलती है। बात करें व्हीकल वारंटी की, बाकी चीज़ें व्हीकल में आ जाती हैं दोस्तों, मोटर वगैरह सब, तो 3 साल 40,000 किलोमीटर की आपको जो है व्हीकल वारंटी देखने को मिल जाती है। तो जो ये जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलती है वारंटी इसमें। बाकी EW जो है दोनों में आप ले सकते हो, वो अलग चीज़ें, लेकिन स्टैंडर्ड वारंटी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप जो ओला है वो ज़्यादा बढ़िया सही ऑफर करता है वारंटी। 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर जो है काफ़ी अच्छी वारंटी होती है दोस्तों। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में दोस्तों। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ स्पेसिफिकेशन वगैरह, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एम्पियर प्राइमस का जो प्राइस है इसके ओला S1 एयर के प्राइस से कम होना चाहिए। अब होता है नहीं होता वो अलग चीज़ें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 95,000 से लेकर 99,000 तक का जो प्राइस जो है एक शोरूम एम्पियर प्राइमस का आना चाहिए, क्योंकि मेन कंपटीशन एम्पियर का जो है ओला से है, एथर वगैरह से नहीं है। तो यहाँ मेरे को देख लगता है कि यार 1 लाख के अंदर अंदर प्राइस आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्राइस के मामले में दोनों लगभग सेम ही होने वाली हैं। अगर हम यहाँ विनर की बात करें, तो ओला जो है ज़्यादा पॉइंट लेके आता है, तो हर चीज़ में जो है टॉप स्पीड में देख लो आप, चाहे रेंज में देख लो आप, तो जो है काफ़ी बढ़िया जो है स्पेसिफिकेशन ओला के हो जाते हैं। अब देखो ओला क्यों नहीं लें, ठीक है, सबसे पहले तो क्यों नहीं लें। अगर आप प्राइमस में देखो तो उसका जो लुक है ना, वो बेसिकली पेट्रोल स्कूटर के जैसा है। बहुत से लोगों को ओला का जो लुक है पसंद नहीं आता है, तो जिनको पेट्रोल लुकिंग स्कूटर चाहिए, पेट्रोल जैसा दिखे, सिमिलर दिखे, तो ले सकते हैं। मिड ड्राइव मोटर भी आ जाती है, बाकी ऐसी कोई कमी तो नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली यार टच स्क्रीन वगैरह जो है एम्पियर प्राइमस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मॉड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो
टू डू थिंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा हैं ओला के अंदर, प्राइमस में नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको जो इसमें स्क्रीन आएगी उसमें इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, नेविगेशन भी मिल जाएगा, बीटी से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन टच स्क्रीन वाला फील तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो इसमें जो है ये कमी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो पेट्रोल स्कूटर से काफ़ी मैचेबल है, सिमिलर से दिखता है। लेकिन ओला S1 एयर की क्या खासियत है, बेसिकली ये वाला जो S1 एयर वाला जो कैटेगरी है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इसमें आपको डुअल सस्पेंशन मिलता है, आगे भी पीछे भी डुअल सस्पेंशन है, सिंगल मोनोशॉक नहीं है। क्योंकि टूटने वाली जो खबरें हैं आती रहती हैं, ओला की जो S1 है और S1 Pro है उसका सस्पेंशन फ्रंट वाला काफ़ी जो है, आपने न्यूज़ देखी होंगी, टूटते रहते हैं आगे वाला सस्पेंशन। तो मुझे जो है S1 एयर कैटेगरी ज़्यादा बढ़िया लगती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। इसमें आपको जो फ्रंट में फ्लोर बोर्ड होता है वहाँ पर भी हम्प देखने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों ये। तो ये जो कैटेगरी है S1 एयर वाली, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है, S1 और S1 Pro से ज़्यादा अच्छी जो है मुझे एयर वाली कैटेगरी लगती है। तो ये जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और फीचर्स के हिसाब से भी, बस डिज़ाइन का चक्कर है दोस्तों। अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं है ओला का तो फिर अलग चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक है ओला S1 एयर जो है हर मामले में जो है यहाँ पे आगे निकल जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको जो है कौन से फिगर्स किस गाड़ी के अच्छे लगे और आप जो है कौन सी गाड़ी को प्रिफर करोगे इन दोनों में से। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है इन दोनों गाड़ियों के बारे में, और एम्पियर प्राइमस को जो है किस प्राइस पर लॉन्च होना चाहिए उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आती है। बात करें दोस्तों डिलीवरी की, क्योंकि डिलीवरी जो है गाड़ी कब मिलेगी, दोनों ही गाड़ियों की बुकिंग आप करा सकते हैं। एम्पियर प्राइमस हमने बुक कर रखी, तो इसकी जो डिलीवरी है ना, जो शोरूम ने बता रखा है वो लगभग 22 फरवरी का बता रखा है, कि 22 फरवरी महीने के अंदर बेसिकली एंड के अंदर बोल रखा उन्होंने कि आपको मिल जाएगी, तो उम्मीद करते हैं मिल जाए। बात करें ओला S1 एयर के बारे में, तो यार बुक कर दो। पहले जो है S1 एयर आने वाला था अप्रैल के महीने में, लेकिन अब जो है जुलाई में आएगा, तो क्योंकि दो तीन नए आ गए हैं ना S1 एयर, तो अब ये जो है जुलाई में आएंगे, तो जुलाई में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सब्र करना चाहते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा S1 एयर, अगर जल्दी है तो फिर ये देख लो, क्योंकि यार कभी कभी नीड ऐसी होती है कि जल्दबाजी में लेनी पड़ती है गाड़ी। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो दोनों गाड़ियों में से कन्फ्यूजन चल रहा है तो जल्दबाजी में तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी है, सब बढ़िया है, लेकिन सब्र है, आपके पास टाइम है, रुक सकते हो, तो इसको बुक कर दो, जुलाई में आपको ये मिल जानी है। तो कमेंट करके बताएगा यार आपको क्या लगता है इस बारे में। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और कोई क्वेश्चन है आपका दोनों गाड़ियों के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में तो मुझे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जो है लाइव अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए कंपेरिजन में है, किसी नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।